टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। बताया जा रहा है जिस फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है उसका नाम विशाल फायर वर्क है। ये धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज 15 से 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री थी और धमाके के बाद धुएं का गुंबार आसमानों में साफ देखा जा सकता है। पालघर की ये तस्वीरें हैं जहां धमाके की खबर सामने आई है। पटाखा फैक्ट्री थी, इसमें धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि ये हाईवे से करीब 15 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में ये फैक्ट्री थी और जानकारी के मुताबिक यहां वेल्डिंग का काम किया जा रहा था और इसकी वजह से फैक्ट्री में रखे पटाखों में धमाका हो गया और देखते ही देखते ये भयावह हो गया। इस धमाके में घायलों की अभी तक सही संख्या की जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही अभी तक किसी की मौत की खबर इस धमाके से सामने आई है। धमाके की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। आपको बता दें कि पालघर में कोई ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी पालघर में इस तरह की खबरें सामने आ चुकी है। बहरहाल जिस तरह से आज ये पालघर के पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में ये धमाका हुआ, ये बहुत बड़ा धमाका था, लेकिन अभी तक यहाँ से घायलों की सही जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही मृतकों की अभी तक कोई खबर सामने आई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।